श्री बताइए, फिलहाल आपके रडार पर कोई स्टॉक आ रहा है या फिर बाय और सेल में कोई स्ट्रैटेजी है आपकी कोई स्टॉक्स पर? यस, ऑयल इंडिया को तुरंत बेचना चाहिए क्योंकि अभी 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 फिलहाल चार्ट के ऊपर एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। कैश का प्राइस अभी 118.65 है, 119.8 का एक स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा और 116 का टारगेट मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, तुरंत इसको शॉर्ट करना चाहिए। 116 और स्टॉप लॉस क्या लगाना है? 119.80 रुपया। ओके, तो 1 रुपए ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऑयल इंडिया तुरंत अभी इन लेवल्स पर आपको बिकवाली करनी है और जब 116 के लेवल्स टूटते हैं तो आशीष जी दूसरे लेवल्स क्या होंगे? 116 अगर टूटते हैं तो मैं मानता हूँ अगले ट्रेडिंग सेशन में 114 और 112.50 रुपए का लक्ष्य चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। चलिए, साथ ही आशीष जी बताइए आज के ट्रेडिंग सेशन पर कौन से ऐसे कॉल्स हैं, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पर है? सी, मेरा पहला जो स्टॉक था वो था ऑयल इंडिया जो मैंने अभी अभी दिया था। दूसरा एक कॉल अभी ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन ये एक कंडीशनल कॉल है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की तरफ अगर हम देखते हैं तो 320 रुपए का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो मैं मानता हूँ इसका पहला लक्ष्य रहेगा करीबन 312 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा करीबन 309 रुपए का। तो यहाँ पे ट्रेड तभी इनिशिएट करना चाहिए जब ये स्टॉक 320 के नीचे फिसलता हुआ हम देख पाएंगे। चलिए, और एक बार स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, 320 के लेवल्स के नीचे जब जाता है तो क्या स्टॉप लॉस लगाना है? उस केस में इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बहुत ही नजदीक रहेगा और वो स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 325.5 का।